जिला जामतड़ा ब्लॉक कर्माटाण गांव शहर जोड़ी में उत्क्रामित विद्यालय है। वहां 58 बच्चों का नाम नामांकित है। यहां 2 पारा टीचर हैं, उनमें से एक हेमलाल राजवार है। उनका पारा टीचर की बहाली 2007 को हुई, लेकिन 5 वर्ष से उनको वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण वो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बंद हुआ इलेक्शन कार्य से हम नहीं किए थे, इलेक्शन में हम काम की लड़े थे आवेदन देकर, तो हमको मौखिक रूप पर ऐसे बोला गया था। उसके बाद इलेक्शन लड़ने के बाद अपने आप बंद कर दिया। 1-1.5 साल तक बीओ साहब ऐसे बोला कि ठीक है पेमेंट हो जाएगा, और अंत में नहीं हुआ पेमेंट, लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं। आवेदन हम लोग का यहाँ है कि कोई रिसीविंग भी देता नहीं, आज तक हम लोग का कोई रिसीविंग नहीं देता है। शिक्षा विभाग का काम है या लापरवाही है, जैसे भी कहिए। तो पेमेंट के बारे में किसी को बोले थे? हाँ, आवेदन सब दिए थे। हाँ, बीओ साहब को बार बार बोले हैं, सीआरपी को बोले हैं, बीआरपी को बोले हैं, डीएससी के कार्यालय में जाकर उनके एक बड़ा वो थे, उनको भी बोले हैं। तो क्या बोले? बोले वो बोले कि नहीं, आपका ऐसे स्वतः रिजाइन मान लिया जाएगा, आपको रिजाइन माना जाएगा, इसलिए आपका पेमेंट नहीं हो सकता। अब कहे कि यदि रिजाइन हो गया सर तो कम से कम को कुछ लिखित रूप से दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन कोई नहीं लिखित नहीं, मौखिक रूप से ही बोल दी, तो हम कैसे मानेंगे मौखिक रूप से? आप दिक्कत है, घर है किसी तरह, अभी भाई लोग और है, सबसे गांव घर से सहायता लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, घर का सदस्य मैनेज कर रहा है किसी तरह, बहुत मुश्किल में अभी चल रहा है। हम हर जगह सबके माध्यम से कह रहे हैं कि नहीं, किस तरह बहुत मुश्किल में है मेरा, कम से कम मेरा भी बाल बच्चा कैसे चलेगा। हम जो काम किए वो तो मिलना चाहिए, और यहाँ सेवा दे रहा हैं उसका जो भी मानदेय है वही मिलना चाहिए उनको। मैं सभी वीडियो देखने वालों से विनम्र अपील करती हूँ कि जामताड़ा के बीओ भिक्कन प्रसाद वर्मा का मोबाइल नंबर 99-73-80-21-81 पर कॉल करके दबाव डालें, ताकि हेमलाल राजवार का रुका हुआ वेतन जल्द से जल्द चालू किया जाए। मैं क्रांति मुर्मू, जिला जामताड़ा, झारखंड से, इंडिया अनहट के।